बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब सर्विस पाकिस्तान चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों वापडा के अंदर 2000 नौकरियां आई हैं, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इंशाल्लाह दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं तमाम तर डिटेल्स बताऊंगा कि कौन कौन सी जॉब है, किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, कमेंट्स करें कि वाजिद भाई जो फिस्को में जॉब्स आई हैं इसके ऊपर वीडियोज़ बनाओ कि हम किस तरह अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों बात करें जॉब की, तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे आके सर्च करना है www.jobs24pk.com। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगी उस आएंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इसका अप्लाई करने का डिटेल्स वगैरह सारी तफसीला। दोस्तों बात करें इसकी आखिरी तारीख की, तो 30 अगस्त 2019 इसकी आखिरी तारीख है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, यहाँ पे जो जो इजला के लोग अप्लाई करें यहाँ पे उन्होंने वाजे लिखा हुआ है, फैसलाबाद झंग बखर टोबा टेक्सिंग चिन्योट सरगोदा खुशाब और मियांवाली की डोमिसाइल के रिहायशी हामिल होने वाले अफराद अप्लाई करेंगे। बिल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप लोग देख सकते हैं 207 वैकेंसीज हैं। उसके बाद एज लिखी गई है 18 से 30 साल। फिर असिस्टेंट लैंडमैन की 1738 नौकरियाँ हैं जिसके लिए वो अप्लाई करेंगे। ओपन मेरिट की 1320 है, एम्प्लाई चिल्ड्रेन की 348 है, माइनॉरिटी की 70 वैकेंसीज हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पे आके अपनी जॉब को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लिक हेयर अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। जैसे ही आप क्लिक हेयर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली www.cts.org.pk कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट पर मूव कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, और यहाँ पर तमाम तरह डिटेल्स लिखी हुई है कि आपने इसको फॉर्म को किस तरह डाउनलोड करना है, क्या तरीके का रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप इसको रीड करेंगे, एडवर्टाइज ऑफ इंग्लिश SDO एंड RO एडवर्टाइज इन इंग्लिश BDM एंड ALM, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लें पहले इसको, ये आपकी एडवर्टाइज है जो मैंने एडवर्टाइज आपको रीड करके सुनाई है, ये उसकी एडवर्टाइज इंग्लिश में आ गया। आप इसको एक बार अच्छी तरह रीड करें, क्या तरीकेकार है, किस तरह आप लोगों ने भागना है, क्या तफसीलात है, सारी यहाँ पर आपको यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई, रनिंग कितनी है, क्या हिसाब किताब होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप आ जाएँ तो असिस्टेंट लाइनमैन ALM एप्लीकेशन फॉर्म, तो दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप कोई कंप्यूटर शॉप के जाएंगे जो आपके करीबी आपके एरिया के अंदर हो तो उसको आपने कहना है कि सर हमें फिस्को का ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है जमा करवाना था वो आप हमें फॉर्म दे दो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद आपने इसको कंप्लीट डिटेल में फिल करना है। अब इसको फिल किस तरह करना है, ब्रांच कोड जिस ब्रांच के अंदर आप अपना चालान पेड करेंगे, दोस्तों ये इसका चालान होगा तो ये मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 49 रुपये का चालान रखा गया है, टोटल मिला के 69 मतलब के 70 रुपये इसका अमाउंट बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना बैंक ब्रांच कोड यहाँ पर इंटर करना है, डिपोजिट डेट जिस डेट के अंदर आप अपना जो चालान है उसको पेड करेंगे यहाँ पर आपने वो डेट देनी होती है। उसके बाद फुल नेम के अंदर आपने अपना नाम देना है, फादर नेम के अंदर आपने अपने वालिद का नाम देना है। उसके बाद कैंडिडेट CNIC यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर देना है। उसके बाद जेंडर मेल है फीमेल है मर्द या औरत कौन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद रिलीजन मज़हब कौन सा है आपका, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, मुस्लिम है तो यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अंडरटेकिंग नॉन मुस्लिम फॉर्म, गैर मुस्लिम का हलफनामा ये हो गया जो गैर मुस्लिम है इसको वो फिल करेंगे। उसके बाद इन केस ऑफ एनी नॉन मुस्लिम स्पेसिफिकेशन ऑफ योर रिलीजन वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, पोस्टल एड्रेस। दोस्तों पोस्टल एड्रेस वो चीज़ होती है जो आपका सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसा एड्रेस दे देते हैं जहाँ पर उनको उनकी जो चीज़ें होती हैं मतलब कि अप्लाई करने वाली एप्लीकेशन फॉर्म वाली, तो वो चीज़ें उनको मिल ही नहीं पाती जिसकी वजह से वो महरूम हो जाते हैं जॉब से और उनको जॉब मिल नहीं पाती। तो दोस्तों आपने अपना पोस्टल एड्रेस वो देना है जहाँ पर आपको कोई भी आपका खत हो कोई डाक हो इजीली आप तक पहुंच जाए, तो आपने अपना पोस्टल एड्रेस ऑथेंटिक देना है और ऐसे दोस्त का और ऐसा एड्रेस देना है कि आपने घर का वो एड्रेस दे जहाँ पे डाकिया इजीली कोई भी पोस्टमैन हो वो आपके घर पर आपका लेटर पहुंचा दे। उसके बाद दोस्तों सिटी का नाम आ गया, सिटी जो आपकी हो आपने वो नाम देना है। फिर आ गया डिस्ट्रिक्ट, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट हो दोस्तों आपने यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट देनी है। फिर प्रोवेंस जो आपका सूबा है प्रोवेंस से आपने वो देना है। उसके बाद फ़ोन नंबर या नंबर आपके पास हो तो ठीक है, अगर ऑफिस नंबर हो नहीं तो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर एनी हाउ देना है। दोस्तों अभी मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मोबाइल नंबर कौन सा देना है। मोबाइल नंबर आपने वो देना है जो किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट ना हो, जिस तरह अगर टेलीनार का नंबर है तो टेलीनार का ही हो, अगर JS का नंबर है तो JS का ही हो, अगर किसी और नंबर पर कन्वर्ट होता है तब भी आपको SMS वगैरह नहीं मतलब क्या आता है।
उसके बाद रिलीजन रीजनल कोटा जो आपकी है डोमिसाइल आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है, आप किस पे अप्लाई कर रहे हो, ओपन मेरिट पे अप्लाई करना चाहते हो, फीस को एम्प्लॉय चिल्ड्रेन या मिनॉरिटी, तो ओपन मेरिट पे आप अप्लाई करोगे क्योंकि दोस्तों अगर आप मिनॉरिटी हैं अकेले हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, लेकिन अगर आप फीस्को के अंदर आपका कोई ऑलरेडी वालिद वगैरह है, कोई ब्रदर किसका सिस्टर मतलब कोई भी अगर फीस्को में जॉब कर रहा है तो वहाँ पे वो अप्लाई करके, लेकिन आपने अगर अप्लाई करना है जस्ट बेरोजगार हो, कोई नया पर्सन अप्लाई करा तो आपने यहाँ पे ओपन मेरिट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इन केस ऑफ एम्प्लॉय चिल्ड्रेन कोटा प्लीज़ फिल आल्सो द बॉक्स ऑप्शन इज 1, 2, 3, 4, यहाँ पे ये मैंडेटरी उन्होंने दिए गए हैं, लेकिन अगर आप ओपन मेरिट पे अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं। यहाँ पे बोल दे सकते हैं बराए मेहरबानी चिल्ड्रेन कोटा की सूरत में नीचे दिए गए वह में एक बक्स सिलेक्ट करें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये उनके लिए जो फिस्को एम्प्लॉयड कोटा हो, लेकिन यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों सबसे पहले आ गए यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, तो अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट अपनी वो सिलेक्ट करनी है जिसका आपका डोमिसाइल बना हुआ है जिस डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ पे उन्होंने जो इजला दिए हैं वही लोग इसमें अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है। उसके बाद दोस्तों डिज़ायर टेस्ट सिटी, डिज़ायर टेस्ट सिटी का मतलब क्या है दोस्तों, डिज़ायर टेस्ट सिटी वो है कि यहाँ पे फैसलाबाद, मियांवाली, चिन्योट, झंग, सरगोधा, टीटी सिंह, खुशाब और बखर दोस्तों, जो आप टेस्ट अपना सिलेक्ट करोगे तो आपका जो रिटन टेस्ट जो भी फिजिकल टेस्ट सब कुछ होगा वो आपका इन्हीं सेंटरों में होगा, तो आपने लिहाजा अपना टेस्ट सेंटर ऑथेंटिक देना है जिसके बारे में आपको पता हो और जो आपके लिए इजी हो, जहाँ पे आपकी रिहाइश सही हो तो आपने वहाँ पे जाना है, टेस्ट सेंटर आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों अकेडमिक इन्फॉर्मेशन, तालीमी मालूमात, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं सर मैट्रिक में हमने क्या लिखना है, ये लिखना है भाई, सिंपल तरीका है, मैट्रिक के अंदर आपने अपनी डिग्री साइंस लिखी, स्पेशलाइज सब्जेक्ट में आप किस सब्जेक्ट में महारत है आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर दिया, पासिंग ईयर जिसके अंदर आपने मैट्रिक पास की अपनी वो आपने देनी है, ओबिटेंट मार्क्स जो आपके ओबिटेंट मार्क्स हो, जो आपने मार्क्स लिए हैं आपने वो देने हैं, टोटल मार्क्स जो आपके कुल मार्क्स थे यहाँ पे वो देने हैं, उसके बाद डिवीन आपका कौन सा है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपने दे दिया दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों छाती, सीना, वेट, KGS, ये सारी डिटेल आपने देनी है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में आपको सारा पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि उन्होंने रिक्वायरमेंट क्या मांगी, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई, अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई हैं मतलब कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप इसको यस करेंगे, अगर आप बेरोजगार हैं तो जस्ट आप इसको नो करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस, आपने कोई जॉब की तो यहाँ पे आप अपना वो भी चीज़ें शेयर कर सकते हो। उसके बाद टोटल जॉब रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड क्लोजिंग डेट, जो आपका एक्सपीरियंस है आप अपने वो देना है। एज रिलैक्सेशन अगर आपको दी जा रही है, नहीं दी जा रही तो 18 से 30 साल की एज है, बाकी आप वहाँ पे आके उसकी एडवर्टाइज को रीड कर सकते हो। अंडरटेकिंग के अंदर यहाँ पे आपने अपना नाम देना है, आगे अपने वाले साहब का नाम देना है, नीचे आपने यहाँ पे अपना पिक्चर लगानी है, और यहाँ पे आपने अपने देख सकते हैं यहाँ पे सारी तफसीलात लिखी हुई है। उसके बाद डेट और सिग्नेचर यहाँ पे आपने अपनी करनी है। उसके बाद दोस्तों ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इन्फॉर्मेशन है, ये आपने लाजमी इसको चेक कर लेनी है कि आपने प्लीज़ फिलअप द एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली कम्प्लीट करेक्शन इन्फॉर्मेशन के साथ, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, आपने कौन सी क्या क्या चीज़ें रखनी है। उसके बाद दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई हमारे पास, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आ गई आपका चलान फॉर्म, यहाँ पे दोस्तों ये तीन कापियाँ आप जिसको देख सकते हैं, डिपॉजिट स्लिप, और यहाँ पे आ गई डिज़ायर बैंक स्टैंड कापी, और यहाँ पे देख लो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक कापी आपने रखनी है, एक कापी बैंक वाले रखेंगे, और एक कापी आपने भेज देनी है अपना CTS वालों को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये तीनों कापी आपके यहाँ पे ली हुई है, जिसके ऊपर यहाँ पे वाजे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप, उसके बाद यहाँ पे इसकी तमाम तर तफसीलात है, ब्रांच कोड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके इसको रीड कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद इस फॉर्म फिल करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको सारा फिलअप करके फॉर्म को भेज देना है प्रोजेक्ट मैनेजर फेस्को कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस, CTS ऑफिस नंबर 62 सेकेंड फ्लोर, यूनाइटेड प्लाजा 96E ब्लू एरिया, इस्लामाबाद, और ये इनकी हेल्पलाइन नंबर है। मज़ीद मालूमात के लिए आप इनकी हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हो दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा इस वीडियो के अंदर आपको कम्प्लीटली मेथड समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है, इसकी क्या तफसील है दोस्तों। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है तो आप यहाँ पर आ जाएँ, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग एक बार आएँ और आके इसको एक बार अच्छी तरह, पहले यहाँ पर आके आप अपनी जॉब्स को अच्छी तरह रीड करें, यहाँ पर क्या तफसीलात हैं, तो आप इसको एक बार आके लाजमी जॉब्स 24PK पर आके यहाँ पे आप इसकी तमाम तफसीलात देखें कि जो ALM है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी हाइट दी गई है, क्या टेस्ट दी गई है, ताकि जब आपकी कोई टेस्ट हो तो आपके लिए कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े दोस्तों। उसके बाद एक कम्प्लीटली मेथड हो गया। अभी दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अभी आप लोगों ने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान है कि वाजिद भाई हमने अप्लाई तो कर दिया लेकिन अभी हम उसकी तैयारी किस तरह करें दोस्तों। अगर आप तैयारी करना चाहते हो CTS की, दोस्तों हमने आप लोगों के लिए बनाया एक 700 MCQs फार्मूला, जिसके अंदर इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, जर्नलिज, कंप्यूटर, इंग्लिश और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सवाल आते हैं जो आपकी हर टेस्ट में आते हैं। लेकिन अगर आप इस बुक से तैयारी करोगे तो मैं नहीं समझता कि आपको किसी और बुक से तैयारी करनी पड़ेगी, आप इजीली अपना टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे, जिसको रिटन टेस्ट बोलते हैं दोस्तों। इस बुक को बाय करने का तरीका सिंपल है,
जिससे आपने 0300-277-7707 इस नंबर पर कॉल करनी है और अपनी बुक को ऑर्डर बुक करवाना है, जिसकी प्राइस सिर्फ 700 रुपये है। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये आपको फ्री होम डिलीवरी दी जा रही है, जिसके अंदर एक कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम है। जब आपको बुक आपके हैंड में मिलेगी तब आपने इसकी पेमेंट करनी है। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी करना चाहते हो, जॉब हासिल करना चाहते हो, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लोग लाजमी इस बुक को बाय करो और इससे ईजिली तैयारी करो। इंशाल्लाह आपको इस बुक से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।